हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ। और आज का जो व्लॉग है वो हमारा जो जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी लोकेलिटी है, वहाँ का व्लॉग रहेगा। और फिर हम आपको अपने जो फ्लैट के पास आगे जा कर के पार्क है, अलनादा पार्क, वहाँ का दिखाएंगे। सो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपना अपार्टमेंट जहाँ पर हम रहते हैं। हमारा जो फ्लोर है वो है 13th फ्लोर। सो पहले आप वो देखें। सो गाइस, इसके आगे आगे जो भी चीज़ें पड़ेंगी, जैसे मस्जिद है हमारे ही फ्लैट के सामने, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो दिखाऊंगी। और आगे जा कर के जो भी हमारा मॉल्स वगैरह पड़ते हैं और पार्क पड़ता है, वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू। सो गाइस, आप लोग पीछे देख रहे होंगे हमारा अपार्टमेंट है, और उसके बाद हम वहाँ से जब आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सफ़ीर मॉल। बहुत बड़ा मॉल है, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। और ज़्यादातर हम लोगों ने जो शॉपिंग करी थी किचन वगैरह की, घर की, वो हम लोगों ने ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से ही करी थी। और बजट में है, बहुत ज़्यादा ना कॉस्टली है ना बहुत ज़्यादा कम में है। हाँ, बस ठीक है। तो ये हो गया मॉल। और इधर जब आप आएंगे तो ये पड़ेगी मस्जिद। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इसमें फीमेल्स का भी है, फीमेल्स का भी बैक में है, वहाँ पे फीमेल्स पढ़ सकती हैं। सो ये हो गई मस्जिद। और आगे जा कर के हमारा पड़ता है पार्क, जहाँ पर हम जिदान को खेलने के लिए लेके जाते हैं। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मॉल, और बहुत बड़ा मॉल है, पूरा उधर से लेकर के वहाँ तक मॉल है। सो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पर सामने आप लोग देख सकते हैं एती सलात का ऑफिस भी है, लेकिन ये ऑफिस बंद हो चुका है काफ़ी दिन पहले। सो ज़्यादातर यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं। और ये रहा सफ़ीर मॉल, काफ़ी बड़ा मॉल है ये। सो चले हम लोग उस साइड चलते हैं। सो गाइस, ये है सफ़ीर मॉल, और अब हम लोग चलते हैं अलनादा पार्क की तरफ, क्योंकि जिदान को वहाँ पर स्कूटर चलानी है। अब मैं इस बटन को पुश करती हूँ जिससे कि ये पता चल जाए कि हम लोगों को रोड क्रॉस करनी है और कार्स रुक जाएं। सो अभी कार्स रुक जाएंगी तब हम लोग रोड क्रॉस करेंगे। लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, और उसके बाद मैं आप लोग को इधर की बिल्डिंग्स दिखा दूं। या आई एम कमिंग। सो धूप बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में तो लोग स्वेटर्स वगैरह पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और इस धूप में गर्मी भी बहुत है। सो अब हम लोग इस साइड आ गए हैं, और इतना ज़्यादा सुकून है इस एरिया में। मैं वही फास्ट से कहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे सुकून वाले एरिया में घर लिया है।
बहुत सुकून है, सिर्फ बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स हैं। सो अब हम लोग चलते चले पार्क की तरफ। सो गाइस यहाँ पर ये सामने शायद अभी डोर बंद हो गया, बट ये बच्चियाँ निकली हैं। यहाँ पर है औरतों की मस्जिद, पीछे से एंट्रेंस है, पीछे से ही एग्ज़िट है, और मस्जिद के जस्ट बगल में ये है नेट्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ फुटबॉल एंड या फुटबॉल क्रिकेट का आगे की तरफ है। तो मैं आपको ये पहले फुटबॉल का ट्रेनिंग नेट्स आपको दिखाता हूँ पास से जाके। सो गाइस आप पहले तो बिल्डिंग के पीछे से सूरज को देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डिंग के पीछे से। ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस, कितना खूबसूरत साफ सुथरा अच्छा टर्फ है फॉर फुटबॉल। और मैं ये गोल नेट के बीच में खड़ा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देन यू विल सी द गोल नेट, गोल पोस्ट। ये रहा गोल पोस्ट, एक यहाँ पर है, एक एग्जैक्टली वहाँ सामने पर है। और आगे आप बताइए, खेलने आएंगी यहाँ आप सॉकर? जिदान का एडमिशन कराऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जिदान का एडमिशन होगा इंशाल्लाह। हाँ जिदान, फुटबॉल या क्रिकेट? मुझे तो खेलना आता है फुटबॉल। पहले आपको स्विमिंग करवाऊंगी, स्विमिंग सिखाऊंगी, उसके बाद फुटबॉल क्रिकेट जो भी आप चाहें। सो गाइस ये एक नेट इस तरफ है, एक नेट ये है, दोनों फुटबॉल के हैं। एंड द अकेडमी नेम इज टाइगर्स स्पोर्ट्स अकेडमी। ये है गाइस, इस लोकेलिटी में ये बहुत अच्छा है कि हमारे अपार्टमेंट के नीचे फार्मेसी है और राशन वगैरह भी मिलता है और सलून भी है, सलून है, मतलब हर चीज है। और सामने आप लोग देख सकते हैं अल मदीना हाइपर मार्केट भी है, आगे जाएंगे वहाँ पर लूलू मार्केट, अल नहदा मार्केट और नेस्टो, अंसार मॉल, मतलब सब कुछ यहाँ से बहुत करीब है। सो आप लोगों को अब पता नहीं दिखे कि नहीं दिखे, अभी भी हमारा अपार्टमेंट वो सामने दिख रहा है और 13th फ्लोर है हमारा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को, मैं यहाँ पे आपको पॉज कर रहा हूँ बेगम साहिबा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज़ अल ममजार, अल तावन, अल ममजार। एंड इसके जस्ट पीछे अराउंड मान के चलिए 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पे ममजार बीच है। सो आई विल टेक यू गाइस, या आई विल टेक, दैट इज़ व्हाट आई वाज अबाउट टू से, आई विल टेक यू गाइस सून। ओके गाइज, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया है, बट मैंने किया है। और ये चीज़ एक बिल्डिंग में नहीं, यहाँ की सारी बिल्डिंग्स में है। एंड दैट इज़ दे डोंट हैव बाउंड्री लाइन, बिल्डिंग के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, और हर बिल्डिंग के नीचे कोई ना कोई शॉप है, मे इट बी अ सैलून, अ कैफेटेरिया और लॉन्ड्री, कुछ भी होगा, बट दे डोंट हैव बाउंड्रीज। और किसी भी शॉप पे, मैं अभी पास से भी दिखाऊंगा आपको, किसी भी शॉप पे देयर इज़ नो शटर और लॉकिंग सिस्टम। इससे ये प्रूफ होता है कि कितनी सिक्योर्ड कंट्री है ये, यूएई एज अ कंट्री कितनी सिक्योर्ड है। एंड लोग सिर्फ अपने शीशे के डोर्स को बंद करके उसमें एक छोटा सा ताला लगा करके चले जाते हैं, रेस्ट सब सेफ्टी मेंटेन रखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट हियर इन यूएई। सो गाइज देखिए, जैसे कि ये एक ग्रोसरी शॉप है यहाँ पे जबल अल नहदा, आपको इसमें कहीं पे शटर नहीं दिखेगा, ऐसे ही आपको ये सैलून में भी नहीं दिखेगा, अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस में भी नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ यूएई इज़ द सिक्योरिटी सिस्टम आउट हियर। सो गाइज आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये है अल नहदा मार्केट, और यहाँ पर भी सामान बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, ठीक ठाक मिलता है। सो इसके अपोजिट जब आप जाएंगे तो इधर साइड है अंसार मॉल,
और सामने आप देख सकते हैं उधर है लुलु हाइपर मार्केट, और लुलु हाइपर मार्केट के सामने है अल नहदा पार्क जहाँ पर हम लोग सिदान को लेकर के जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस ये है यहाँ की बसेस और ये है सामने अल नहदा पार्क। हम आ गए पार्क में और जिदान को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। उस साइड है बच्चों के झूले। लेट्स गो। उनकी फ्रेंड है ये। ओहो स्ट्रॉन्ग गर्ल। यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल। या जिदान को देख रही है वो। He's sitting alone on the seesaw. नसी सवन अपने स्टाइल की, अपने तरीके की, अपने लिए जो इजीएस्ट है वो एक्सरसाइज कर रही है। आई डोंट नो व्हाट फॉर इज दिस बट सवन को पसंद आ रही है ये एक्सरसाइज। सवन ज्यादा कस के ना करना, पता चला बर्ड की तरह फ्लाई कर जाओ ऊपर। नेस्टो आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। सो बिल्कुल जो लास्ट वाली बिल्डिंग है वो है नेस्टो और हम लोग वहीं से ग्रॉसरी वगैरह लाते हैं। सो अब जब भी जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर शामिल करेंगे। सो फात आप झूला क्यों नहीं झूल रहे हैं जाके? अभी हम बहुत छोटे हैं, बड़ा होना पड़ेगा पहले। वेयर इज सिदान? सो गाइज हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पर ये साइकिल्स मिलती हैं बट दीज आर डबल बाइक। सी आप इसमें देखेंगे डबल स्टेयरिंग है, डबल सीट्स है और दिस इज़ फॉर रेंट ऑफ 20 दिरहम्स।
20 दिरहम्स में आपको मिल जाएगी। आप दो लोग बैठिए इसमें, पूरे पार्क के मज़े लीजिए आराम से, खुद राइड करनी होती है आपको। एंड दिस इज़ अनदर कलर सी, एंड दिस इज सोहेल बाइसिकल्स रेंट। ओह, सो यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ गो कार्ट स्टाइल की भी है, बट दे हैव पैडल्स इन हियर, लाइक यू कैन सी द पैडल्स। एंड यस बेटा, एंड ये है इस वक्त शारजा का माहौल, हवा ठंडी, सुकून की जगह, हर तरफ ग्रीनरी, प्लांट्स, सामने बच्चों के खेलने का सेटअप, और ये अपने एक अंकल जी हु इज कीपिंग हिमसेल्फ फिट, एंड वो है हमारी सुपर फिट वाइफ, जो थोड़ी देर बाद हमसे कह रही है फहद लेट्स गो नाउ। Yes, I can do that, but I don't want to do that because I'm fit. Look at this star. This building ka naam hai Tiger. Have a look at that. As if puri building gold ki hai, but no, that is golden glass. Sukoon ki jagah hai bachcho ke liye, khelne ke liye. And ek cheez aapko aur dikhana bhul gaya yahan pe. Have a look at this. This is the basketball court for seniors. You can come here with your ball, with your friends and play. And on the other side, this is a football court for kids to get their balls, their friends and play. See. Everybody is enjoying. My son is yelling at me. He's asking me to come. So guys, I have to go now. Thank you. Bye-bye. Sudan, wait. के सामने गाइस है लुलु हाइपर मार्केट, बिल्कुल पार्क के अपोजिट साइड। सो अब हम लोग चलते हैं चाय पीने, उसके बाद घर की तरफ। Right or left? Right. Okay. No, I'm extremely tired. So guys, ये है यहाँ की कड़क चाय, और बहुत अच्छी चाय होती है। मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब मैं ढाई साल पहले, ढाई या तीन साल हो गए हैं जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम दुबई में, तो मैं घर पे, मतलब इंडिया जा करके, मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि कड़क चाय कैसी बनाई जाती है। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की ये चाय, कड़क टी। सो हम लोग आ गए हैं अपने घर की तरफ, और चाय पी के फिर हम लोग जा रहे हैं घर। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ अपने घर। सो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मुझे दुआओं में, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।